नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है आपका। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने लोगों से कहा, अभी निर्जला एकादशी आने वाली है, आपको इसका व्रत करना चाहिए। लोगों ने कहा, हमारी तो आदत है बीच बीच में कुछ कुछ खाते रहने की, कभी गुटखा खा लेते हैं, कभी चाय पी लेते हैं, ऐसा दिन भर चलते रहता है, तो ऐसे में उपवास कैसे हो पाएगा। मैंने कहा, मान लीजिए आप किसी दिन अचानक बीमार पड़ गए, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, खुदा न खास्ता आपको ICU ICU में जाना पड़ गया, तो वहाँ तो अन्न जल वैसे भी छूट जाता है, ऐसी नौबत ही क्यों आए। अभी जो एकादशी आने वाली है, उसमें आप होशो हवास के साथ पूरे मन से एक दिन के लिए अन्न जल का त्याग कर दीजिए, आपकी निर्जला एकादशी सफल हो जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा इस बात का आप याद रखिए, जो लोग हर महीने एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कभी ICU में नहीं जाना पड़ता। मेरे मित्रों, भगवान ने जो सुख दिए हैं, उसमें किसी को पत्नी का सुख है, किसी को पुत्र का सुख है, किसी को मोटर मकान बंगला का सुख है, किसी को मित्र का अच्छा सुख है, धन का अच्छा सुख है। आप ये पक्का मान करके चलिए कि जिस व्यक्ति के पास भी इस तरह का सारा सुख है, उसने पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत किया होगा, ऐसा आप मानकर चलिए। एकादशी का व्रत हर तरह से सर्वांगीण उन्नति हमारे जीवन में देता है। मैंने एक से कहा कि यह एकादशी का व्रत कर रखने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो अगला बोला कि पंडित जी, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, आप तो सिर्फ हमारे काम धंधे को अच्छा कर दीजिए, उतना ही बहुत है। और एक ने कहा, मेरा कर्ज बहुत बढ़ गया है, आप जैसे भी करके मुझे ये इस कर्ज से उबार दीजिए। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? दरअसल आज के समय में लोगों की परेशानी बढ़ गई है, और इस तरह इसलिए ऐसा उनका बोलना वाजिब भी है। वेद व्यास जी भीम से कहते हैं, ये जो हर महीने की जो दो एकादशी पड़ती है, उसका व्रत यदि तुम करोगे तो तुम्हें मृत्यु के बाद नरक नहीं जाना पड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि मृत्यु के बाद नरक न जाना पड़े, यदि तुम चाहते हो कि मृत्यु के समय मुझे यमदूत के दर्शन न हो, तो तुम्हें हर महीने की दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। भीमसेन बोले, गुरुदेव, मैं तो एक टाइम भी बिना खाए भूखे नहीं रह सकता, दोनों टाइम मैं पेट भर के खाता हूँ, तब जाकर के मेरा जीवन चल पाता है, तो मैं ये उपवास कैसे रख पाऊंगा? मुझसे ये उपवास रखना नहीं हो पाएगा, आप मुझे ऐसा सब मत बताइए। वेद व्यास जी ने कहा, यदि तुम हर महीने की जो दो एकादशी पड़ती है उसका व्रत नहीं रख सकते, तो कम से कम साल में एक एकादशी रख उठा लो, ये बहुत जरूरी है। ले देकर भीमसेन ने एकादशी व्रत उठा लिया। वेद व्यास जी ने विधान दिया कि हर साल तुम्हें ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी बिना अन्न जल के रखना होगा। भीमसेन तैयार हो गए। मेरे मित्रों, सनातन धर्म में बिना अन्न जल के इस तरह का एकादशी व्रत सबसे पहले भीमसेन ने उठाया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। आप यदि यह व्रत रखना चाहते हैं, तो आपको सुबह सुबह रात्रि के चौथे पहर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। जिन्होंने भी गुरु बनाए हैं, उनको चाहिए कम से कम 3 माला गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र का जाप करने के बाद कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। वासुदेव श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। एकादशी के दिन पंचामृत से स्नान कराने के बाद
आपको हाथ में व्रत करने का संकल्प लेने के लिए हाथ में जल लेना चाहिए, तुलसी दल लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि हे वासुदेव श्री कृष्ण, हे पांडु नंदन भीम, मैं यह व्रत रखने का संकल्प ले रहा हूँ, निर्जल व्रत रखने का संकल्प ले रहा हूँ, मेरा यह व्रत अच्छे से हो जाए, यह मेरा व्रत भंग न हो, यह व्रत करने में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसी भावना से मैं यह संकल्प छोड़ रहा हूँ, ऐसा बोल करके हाथ में लिया हुआ जल बर्तन में छोड़ दीजिए, इसे ही संकल्प लेना कहते हैं। फिर आपको दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, हो सके तो श्रीमद् भगवद गीता या भागवत का पाठ करना चाहिए, मंदिर देव दर्शन के लिए जाना चाहिए, और यदि कहीं कथा हो रही हो तो कथा श्रवण के लिए भी जाना चाहिए। इस दिन निर्जला एकादशी के दिन रात्रि में आपको रात्रि जागरण करना चाहिए। इस तरह दूसरे दिन द्वादशी तिथि को सुबह सुबह आप फिर से नहा लीजिए और सबसे पहले तुलसी दल मुंह में ले लीजिए, इसे ही पारणा करना कहते हैं। इतना करने से आपकी निर्जला एकादशी का व्रत सफल हो जाता है। बस आज का हमारा मिलना बतलाना इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। बोलिए राधे राधे।